आप एक बात बताओ, जो बंदा 10 साल अपना एक्सपीरियंस लेके प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहा है वो 50,000 रुपये ले रहा है, एक फ्रेशर नर्स जो जस्ट पास आउट होकर अपनी OET एग्ज़ाम क्लियर करके यहाँ पे काम कर रही है वो 2.5 लाख रुपये ले रही है, एक फ्रेशर नर्स जिसने अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का दिल्ली एम्स वगैरह का एग्ज़ाम निकाल लिया वो आपसे ज़्यादा 80 से 85 हज़ार रुपये 80 to 85,000 इंडियन रुपीज़ ले रही है ना। इस टाइम में 4 से 5 घंटे आपके पास बचते हैं, चलो 3 घंटे भी बचते हैं तो उसमें बैठ के आप अपना पढ़ो, अपने टॉपिक्स क्लियर करो, अपनी मेडिकल सर्जिकल क्लियर करो, अपनी एनक्लेस की किताबें क्लियर करो, आपकी जो मोसबी है, सोंडर्स है, PR यादव है, टारगेट हाई है, ये सारी किताबें अगर आप क्लियर कर लेते हो, अगर सीरियसली जिस दिन आपने BSc नर्सिंग अपनी कंप्लीट करी है उसके बाद अगर मुझे कुछ लोग ऐसे मिले थे जिन्होंने मुझे कहा था कि संदीप हाँ तुम्हें सही अभी इनिशियली सही लगा रहा हूँ, क्योंकि 2016 में मैं पास आउट हुआ था और 18,000 रुपये मेरे को काफ़ी ज़्यादा लगते थे उस वक्त, सोचता था कि यार मेरा रूम रेंट निकल रहा है, मेरा खर्चा निकल रहा है और मेरे लिए 18,000 सिंगल आदमी के लिए बहुत ज़्यादा है, उतनी ज़्यादा सैलरी बढ़ेगी। आपको क्या लगता है आप नर्सिंग में एक्सपीरियंस लेके क्या कर लोगे? अगर आपने 1 साल का एक्सपीरियंस ले लिया, 2 साल का ले लिया, 3 साल का ले लिया, आप खुद सोच के देखो कि आप कितने साल से, 5 साल से, काफ़ी सारे लोग ऐसे 10-10 साल से वहाँ पे लगे हुए हैं और अभी भी उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि नहीं अभी हमें ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। हेलो हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान UK वाइब्स। तो जैसे कि अभी काफ़ी सारे लोग मेरे से एक सवाल करते हैं कि सर हमें BSc नर्सिंग करने के बाद क्या करना चाहिए, मैं खाली यहाँ पे BSc नर्सिंग की ही बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे GNM की भी बात करूँगा, क्योंकि सभी लोगों का सवाल होता है कि एक तरीके से कि करना क्या है ये नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद, और ये सवाल खाली आपका ही नहीं है, ये सभी लोगों का होता है, इवन मेरा भी था तब मैंने अपनी BSc नर्सिंग कंप्लीट करी थी, पर हमारे पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं था कि हमें करना क्या चाहिए। तो एटलीस्ट आज हम लोग हैं, काफ़ी सारे लोग हैं यूट्यूब के ऊपर, मैं खाली अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जो आप लोगों को गाइड कर रहे हैं कैसे करना चाहिए और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं सब लोग। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपने BSc नर्सिंग करी है तो आपको आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि देखो जब हम लोगों ने नर्सिंग करी थी हमारे पास एक ऑप्शन था, या तो आप प्राइवेट में काम करो या फिर आप गवर्नमेंट में काम करो, और ज़्यादातर जो भी बच्चे थे सारे के सारे हम लोग प्राइवेट के अंदर काम करते थे। अब प्राइवेट में क्या होता है कि कोई वहाँ पे डेवलपमेंट है नहीं, अगर जैसे बात करते हैं तो मैंने मेरे राजस्थान से नर्सिंग कंप्लीट करी थी, मैंने जयपुर से नर्सिंग करी थी, अगर मैं जयपुर में भी देखता हूँ अगर कोई भी जो हॉस्पिटल्स हैं जहाँ से मैं जाके काम करता हूँ तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा सैलरी है नहीं, अगर हम नॉर्मल भी अगर हम लोग बात करते हैं कोई 8,000 रुपये देता है, कोई 10,000 रुपये देता है, बस इतनी सैलरी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि स्टाफ नर्स इतनी ज़्यादा पास आउट होती है राजस्थान से, और खाली राजस्थान की बात नहीं, यहाँ पे केरला से इतनी नर्सेज पास आउट होती हैं, दिल्ली से इतनी नर्सेज पास आउट होती है, हरियाणा से, राजस्थान से नर्सेज इतनी ज़्यादा पास आउट होती हैं कि आपकी जो प्राइवेट में है जो नर्सेज की वैल्यू बिल्कुल ही कम है, आपको अगर आप कहीं पर भी जाके ज्वाइन करते हो तो आपको वहाँ पर वैल्यू नहीं मिलेगी। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन नहीं है कि आप जाके अपनी नर्सिंग आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में करें, और ना ही मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ कि जैसे आपकी नर्सिंग पास आउट आप करते हैं तो आप जाके किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करें। अगर आप मेरा सजेशन लेना चाहते हैं और मेरे से पूछना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए जस्ट पास आउट होने के बाद, तो हम लोग बात करते हैं। देखो दो टाइप की अपनी नर्सिंग होती है, एक होती है अपनी जनरल नर्सिंग, एक होती है अपनी BSc नर्सिंग, एक GNM है, एक BSc नर्सिंग है, राइट। तो जो GNM वाले बच्चे हैं, ज़्यादातर GNM वाले बच्चे क्या करते हैं, वो अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं। देखो उनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, कारण ये है कि अगर आपके बायोलॉजी से अगर आपने 12th नहीं करी हुई है तो आपको डेफिनेटली आपको GNM करनी पड़ेगी, और वो ये चाहते हैं कि जैसे ही अपनी वो GNM नर्सिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो पोस्ट BSc करके फिर हम लोग BSc वाले लेवल पर आ जाएंगे। तो मैं उनको एक ही चीज़ कहूँगा कि ऐसा ना करें, अगर आपको पोस्ट BSc करनी ही है, अगर आपको अपनी डिग्री लेनी ही है, तो उससे पहले आप एक काम कर सकते हैं, जैसे ही आप पास आउट होते हैं अपनी GNM, जैसे आपकी GNM कंप्लीट होती है तो आप डेफिनेटली आप OET की प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप IELTS की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ये दो एग्ज़ाम हैं जो कि आपको फॉरेन कंट्री में काम करने के लिए आपकी मदद करेंगे। दूसरी चीज़ आती है DHA है, दुबई हेल्थ अथॉरिटी है, काफ़ी सऊदी कंट्रीज़ हैं, न्यूजीलैंड में काफ़ी सारे ऐसे छोटे मोटे कोर्सेज हैं जिससे आप करके एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी आपके जो करियर हैं उसके अंदर आपको मिल सकती है। तो अगर आप नर्सिंग को सही तरीके से लेते हैं और सही गाइडेंस से अगर आप देखते हैं, अगर आप मेरा चैनल भी फॉलो करते हैं, अगर आपने नर्सिंग अभी आप 4th ईयर में हैं या फिर 3rd ईयर में, अगर आप मेरा चैनल भी सही तरीके से देखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी कि आपको नेक्स्ट स्टेप का आपका क्या लेना चाहिए नर्सिंग के अंदर। तो हम लोग बात करते हैं GNM की, राइट। तो आप लोग पोस्ट BSc के लिए ना जाके इनिशियली क्या करते हैं लोग, अब GNM कंप्लीट करते हैं और पोस्ट BSc के लिए चले जाते हैं, नहीं आप ऐसा ना करें, क्योंकि देखो इंडिया, खाली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फॉरेन कंट्री के अंदर ही अच्छे अच्छे ऑप्शन है, अगर आप इंडिया के अंदर भी देखते हैं तो आपके पास दिल्ली एम्स है, अपनी इंडियन गवर्नमेंट के अंदर कितने सारे एग्जाम्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर इतने सारे एग्जाम होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में इतने एग्जाम होते हैं, CHO की वैकेंसीज निकलती है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी निकलती है, इवन रूरल एरियाज़ के अंदर भी आपकी जो वैकेंसीज हैं गवर्नमेंट की वो निकलती हैं, इतनी सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो आपके पास काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो नर्सिंग एक अच्छा फील्ड है, आप वहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हैं, राइट। वहीं बात हम लोग करते हैं BSc नर्सिंग की, तो BSc नर्सिंग के पास एक अच्छी चीज़ ये है, एक अच्छा पॉइंट ये है कि वो किसी हॉस्पिटल में काम करने की बजाय अगर वो किसी कॉलेज में जाके पढ़ाते हैं तो उसके देखो बेनिफिट्स आपके पास हैं, क्योंकि जब आप अपने कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, किसी भी कॉलेज में जाके आप पढ़ाते हैं तो आपके टॉपिक्स क्लियर होते हैं, मतलब। तो अगर आप गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप अगर टॉपिक्स वहाँ पे क्लियर हो रहे हैं, चाहे आप कोई एनाटॉमी पढ़ा रहे हैं किसी कॉलेज में, मेडिकल सर्जिकल पढ़ा रहे हैं, कम्युनिटी पढ़ा रहे हैं, जो भी आप सब्जेक्ट वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, एटलीस्ट आपका वो सब्जेक्ट वहाँ पे क्लियर होगा। सब्जेक्ट क्लियर होने के साथ साथ क्या होता है कि जब आप किसी भी कॉलेज में पढ़ाते हैं तो इनिशियली
आपको एक या दो क्लासेस ही मिलती हैं पढ़ाने के लिए, है ना। तो बाकी आपके 6 घंटे का कॉलेज हुआ या फिर 8 घंटे का कॉलेज हुआ, आपको सिर्फ 2 घंटे पढ़ाना है, बाकी आपको प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि मेरे साथ जब हम लोग अपनी नर्सिंग करते थे, हमारे जो जो स्मार्ट टीचर्स होते हैं, देखो आपको काफ़ी सारे टीचर्स ऐसे मिलेंगे जो कॉलेज में पढ़ाते हैं पर उनका अलग होता है, कुछ स्मार्ट टीचर्स होते हैं वो ऐसे करते हैं कि अपना पढ़ाया, बाकी उनका जो टाइम होता है स्टाफ रूम बैठते हैं, अपनी प्रिपरेशन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, चाहे फिर वो गवर्नमेंट की पढ़ाई हो चाहे बाहर आने की पढ़ाई हो, सब लोग अपना टाइम निकाल के अपनी प्रिपरेशन करते हैं। तो काफ़ी सारे हमारे टीचर्स ऐसे थे जिनको मैंने देखा और जिनसे हम लोग प्रेरित भी होते थे कि वो हमें पढ़ाने के लिए आते थे क्लास के अंदर। सबसे मेन चीज़ ये है, जब वो हमें पढ़ाने के लिए आते थे ऐसा लगता था कि वो कुछ पढ़ के आए हैं और वो आके रिवाइज कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, आप पढ़ रहे हो, अगर आपने किसी कॉलेज को ज्वाइन किया हुआ है, आप पढ़ रहे हो, आपने आके क्लास में पढ़ाया, इसका मतलब ये है कि आपका वो टॉपिक है वो रिवाइज़ हो रहा है आपका, है ना। वो चीज़ें आपकी कब हेल्प करेंगी, जब आप अपनी गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करते हैं, आप किसी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो वहाँ पे क्या है, आपके टॉपिक्स वहाँ पे क्लियर होते हैं। तो क्या होता है, आपके दो आपके पीरियड्स हो गए, दो पीरियड आप लोगों ने पढ़ा लिए, आपकी 2 क्लासेस हैं, आपने 2 क्लासेस ली, बाकी जो आपके पास टाइम है 4 से 5 घंटे आपके पास बचते हैं, चलो 3 घंटे भी बचते हैं, तो उसमें बैठ के आप अपना पढ़ो, अपने टॉपिक्स क्लियर करो, अपनी मेडिकल सर्जिकल क्लियर करो, अपनी एनक्लेस की किताबें क्लियर करो, आपकी जो मोसबी है, सोंडर्स है, पीआर यादव है, टारगेट हाई है, ये सारी किताबें अगर आप क्लियर कर लेते हो, अगर सीरियसली जिस दिन आपने बीएससी नर्सिंग अपनी कंप्लीट करी है उसके बाद अगर आप किसी कॉलेज को ज्वाइन करते हो रैदर देन ज्वाइनिंग अ हॉस्पिटल, अगर देखो आप हॉस्पिटल ज्वाइन करते हो वहाँ तो डेफिनेटली वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, किसी भी हॉस्पिटल में आप जाते हो और आपको ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। मैं दिल्ली में काम करता था, इनिशियली मेरे को 18,000 रुपये देते थे, उसके बाद 2,000 रुपये पर ईयर बढ़ते थे। आप खुद सोच के देखो कि 1 साल की मेहनत के बाद आपकी सैलरी इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, सिर्फ 2,000 रुपये। जब मैं अपनी ज्वाइन मैंने अपनी हॉस्पिटल ज्वाइन किया था तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये चीज़ें बताई थी, मुझे कुछ लोग ऐसे मिले थे जिन्होंने मुझे कहा था कि संदीप हाँ तुम्हें सही अभी अभी इनिशियली सही लगा रहा हूँ, क्योंकि 2016 में मैं पास आउट हुआ था और 18,000 रुपये मेरे को काफ़ी ज़्यादा लगते थे उस वक्त। सोचता था कि यार मेरा रूम रेंट निकल रहा है, मेरा खर्चा निकल रहा है और मेरे लिए 18,000 सिंगल आदमी के लिए बहुत ज़्यादा है। पर किसी ने मुझे कहा था कि आज तुझे ज़्यादा लग रहे हैं, आज तुझे सही लग रहे हैं कि हाँ तुझे 18,000 रुपये मिल रहे हैं, पर आने वाले 2 या 3 साल के अंदर अपनी सैलरी इंक्रीमेंट देख लेना, 18 से 20 होगी और 2 साल बाद आपकी 20 से 22 हो जाएगी। उस दिन महंगाई इतनी होगी कि 22,000 तुम्हें खुद को कम लगेंगे। अब मैं खुद इस चीज़ के बारे में रिग्रेट करता हूँ, जब मैं मेरे दोस्तों से पूछता हूँ जो कि सेम हॉस्पिटल में अभी भी काम कर रहे हैं कि यार अभी सैलरी कितनी है, तो वो बोलते हैं भाई 25,000 रुपये मिल रहे हैं। अब खुद मैं चीज़ सोचता हूँ कि 25,000 रुपये वही जो मैं एक शिफ्ट करके मैं एक्स्ट्रा कमा लेता हूँ वही बच्चों को मिल रहे हैं एक मंथ के। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको मोटिवेट करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, रियलिटी से आपका आपको रूबरू कर रहा हूँ एक तरीके से, कि जिसने भी अपनी नर्सिंग कंप्लीट करी है उसके पास काफ़ी बेटर ऑप्शन है। नर्सिंग बहुत अच्छी फील्ड है, चाहे आप इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर लें या फिर किसी की बात कर लें, बाहर आने की बात कर लें, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो हाँ मैं ये कहूँगा कि जो बच्चे अपना हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं बीएससी नर्सिंग के बाद, मैं उनको ये कहूँगा कि जाके आप किसी कॉलेज को ज्वाइन करें। इनिशियली आपको मुझे पता है सैलरी कम मिलेगी, 8 से 10 हज़ार, 12,000, 15,000 आपको मिलेगी, पर हाँ आपकी वहाँ भी पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी, आपके जो पढ़ाई से जो टच है वो नहीं छूटेगा। पर हाँ अगर आपने हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया तो डेफिनेटली आपका टच छूट जाएगा, इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन ना लेके, आपको उसके एग्जाम क्लियर नहीं होगा अगर आपको प्रैक्टिकल का नॉलेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो उसकी है मेनली वो थ्योरेटिकली बेस्ड होता है। अगर हम लोग कहीं पे जाके प्रैक्टिस करते हैं, मानो किसी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं, हमें आईएम लगाना आता है, हमें पता है आईएम कैसे लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं, जो सही प्रोटोकॉल्स हैं हम उसको फॉलो नहीं करते हैं, हम सिर्फ आईएम लगा देते हैं, है ना। पर अगर आप ओस्की के अंदर अगर सेम प्रैक्टिस जो आप हॉस्पिटल में करते हो वही जाके अगर ओस्की में करते हो तो आप डेफिनेटली फेल हो जाओगे, क्योंकि ओस्की के अंदर सारी चीज़ें थ्योरेटिकली हमको परफॉर्म करनी पड़ती है, एक एक स्टेप जो हम लोग थ्योरी में हमारी किताब में पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें हमें वहाँ पे प्रैक्टिकली वहाँ पे शो करनी होती है। तो क्या होता है, अगर आपकी थ्योरी क्लियर है, आपको पता है सारी स्टेप वाइज कैसी चीज़ें करी जाती हैं, तो डेफिनेटली आपका ओस्की क्लियर हो जाएगा ना। तो अगर आपकी थ्योरी सही है, अगर आपका प्रैक्टिकल सही नहीं भी है, तो आप यहाँ पे अपनी ओस्की की प्रिपरेशन करेंगे, आपकी प्रैक्टिकल्स वगैरह सारी चीज़ें वो लोग सही करवा देंगे, पर अगर आपके थ्योरेटिकली आपके पास अच्छी कमांड है तो डेफिनेटली आपकी ओस्की आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगी ना। तो ये पॉइंट था एक हॉस्पिटल एक्सपीरियंस का। तो मैं ये कहूँगा जिसने बीएससी नर्सिंग करी हुई है तो डेफिनेटली वो जाके किसी हॉस्पिटल ज्वाइन करने की बजाय किसी कॉलेज को ज्वाइन करो, आप पढ़ाई में टच में रहोगे, आपके पास अच्छी नॉलेज होगी, आपके टॉपिक्स क्लियर होंगे, आपकी नर्सिंग क्लियर होगी। मानो आपने कभी कॉलेज में पढ़ाई नहीं करी, एटलीस्ट आप किसी को पढ़ाने के लिए तो पढ़ोगे, आपने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, राइट। तो आपकी वहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो बेस्ट ऑप्शन है। दूसरी बात करते हैं हम लोग, जैसे मैंने पहले बात बताई आपको जीएनएम के बारे में, तो जीएनएम वाले जो भी बच्चे हैं, रेदर देन गोइंग फॉर अ हॉस्पिटल, अगर आप हॉस्पिटल का जाके एक्सपीरियंस लेना सोचते हैं, तो देखो एक्सपीरियंस किनको लेना चाहिए, एक्सपीरियंस उनको लेना चाहिए जैसे जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, जो इंजीनियर्स हैं, कि जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस लेंगे उतनी ज़्यादा सैलरी बढ़ेगी। आपको क्या लगता है, आप नर्सिंग में एक्सपीरियंस लेके क्या कर लोगे? अगर आपने 1 साल का एक्सपीरियंस ले लिया, 2 साल का ले लिया, 3 साल का ले लिया, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सैलरी 30 से 40,000 रुपये हो जाएगी आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। अगर आप 2 साल का एक्सपीरियंस लेते और सोचते कि मेरी सैलरी ज़्यादा हो जाएगी, तो आप देखो दो हम लोग एग्जांपल लेके चलते हैं। एक वो बच्चा है जो एक्सपीरियंस लेके अपनी सैलरी बढ़ाना चाहता है,
अगर किसी को 18,000 में स्टार्टिंग मिल रही है, एग्जांपल लेके देखते हैं, अगर उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो उसको 25,000 रुपये लगा लो, ठीक है। पर वहीं कोई बच्चा 2 साल अपनी सही प्रिपरेशन कर रहा है, अपनी दिल्ली एम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, चाहे फिर वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट के हो, किसी की भी अगर वो प्रिपरेशन करता है, तो वहीं 2 साल जहाँ पे आप जाके अपनी सैलरी को 25,000 रुपये बना रहे हैं, वहीं पे अगर वो बच्चा सही से प्रिपरेशन करता है अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उसकी वहाँ पे 80,000 सैलरी हो जाएगी, है ना। तो आपका एक्सपीरियंस कहाँ काम आया? आपका एक्सपीरियंस कहीं काम नहीं आया, क्योंकि उस बच्चे ने 2 साल अच्छी से मेहनत करके अपना सिलेक्शन करवा लिया गवर्नमेंट में। वहीं पे तीसरा एग्जांपल लेके चलते हैं, वहीं किसी बच्चे ने अपनी ओईटी या फिर आईएलटीएस की प्रिपरेशन करी, ओईटी और आईएलटीएस की प्रिपरेशन इतनी ज़्यादा ना महंगी पड़ती है, ना ही वो इतनी टफ़ होती है जितनी आपकी जो गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है। अगर आपकी गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अगर आप 2 साल में कर लेते हैं, तो डेफिनेटली अपनी ओईटी की प्रिपरेशन आप 6 महीने में कर लेंगे। वहीं अगर 6 महीने में किसी ने अपनी प्रिपरेशन कर ली, तो उसकी सैलरी 2 से 2.5 लाख रुपये हो जाएगी। न्यूजीलैंड चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, हम एक एवरेज लेके चलते हैं 2 से 2.5 लाख रुपये, है ना। तो आप खुद सोच के देखो, एक तो आपने 2 साल काम किया, कहीं पे एक्सपीरियंस लिया, आपकी सैलरी सिर्फ 25,000 रुपये हुई। तो दूसरा, आपने 2 साल प्रिपरेशन करी, अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की करी है तो आपकी 80,000 हो गई, अगर आपने बाहर की करी है तो आपकी 2.5 लाख रुपये हो गए। तो आप खुद डिफरेंस देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाए, अगर आपका ओईटी में सिलेक्शन हो गया, आपको लगता है कि मुझे कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए, तो ओईटी का 2 साल तक रिजल्ट है वो वैलिड होता है। आप अपना ओईटी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद एक्सपीरियंस ले लें, अगर आपको लगता है कि मुझे एक्सपीरियंस लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप तब ले लें एक्सपीरियंस। बाकी जो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर अपने अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, तो एक्सपीरियंस वो आराम से लेंगे अपने हॉस्पिटल में, और जितना एक्सपीरियंस आप वहाँ पे लेंगे, आपके पास एटलीस्ट एक ऑप्शन तो रहेगा कि आप सीनियर नर्स बन सकते हैं, आपकी जो पोस्ट है वो अपग्रेड हो जाएगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो मेरे हिसाब से यही है, सबसे बेस्ट डिसीजन आपका ये होगा, जिस दिन आपने नर्सिंग कंप्लीट करी उस दिन आप प्रिपरेशन में लग जाएं, चाहे फिर आप गवर्नमेंट की करें, चाहे आप बाहर आने की करें, किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन ना करें। क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, इसके अंदर आप ना तो आपको सैलरी मिलेगी, ना आपके करियर में ग्रोथ है, ना आप अपनी फैमिली को मैनेज कर सकते हो, ना अपने पेरेंट्स को मैनेज कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे आपको वहाँ पे निराशा ही मिलेगी, डेफिनेटली निराशा मिलेगी। और मैं उन लोगों को भी कह रहा हूँ जिन लोगों ने ये चीज़ें अपनी ज्वाइन कर ली थी, जो लोग अभी ज्वाइन कर चुके हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, आप खुद सोच के देखो कि आप कितने साल से, 5 साल से, काफ़ी सारे लोग ऐसे 10-10 साल से वहाँ पे लगे हुए हैं, और अभी भी उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि नहीं, अभी हमें ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल छोड़ के हमें कहीं और प्रिपरेशन करनी चाहिए। फॉरेन कंट्री में आते हो, आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री है, आपका हेल्थ फ्री है, आपकी सारी चीज़ें फ्री हैं, आप खुद सोच के देखो कितनी अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए। तो मेरे हिसाब से आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो। मैंने आपको बता दिया है कि आप नर्सिंग पास आउट होने के बाद क्या कर सकते हो। मैं उन लोगों को भी बता रहा हूँ जो अभी फिलहाल भी अपना एक्सपीरियंस ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि एक्सपीरियंस लेके हम इंचार्ज बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, तो भी आपकी सैलरी 40 से 50,000 प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाएगी, ज़्यादा 60,000 चली जाएगी, पर आपका वर्कलोड देखा कितना ज़्यादा है, और फिर बेनिफिट्स भी नहीं है आपसे ज़्यादा। तो फिर एक आप एक बार बताओ, जो बंदा 10 साल अपना एक्सपीरियंस लेके प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहा है, वो 50,000 रुपये ले रहा है, एक फ्रेशर नर्स जो जस्ट पास आउट होकर अपनी ओईटी एग्ज़ाम क्लियर करके यहाँ पे काम कर रही है, वो 2.5 लाख रुपये ले रही है। एक फ्रेशर नर्स जिसने अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का दिल्ली एम्स वगैरह का एग्ज़ाम निकाल लिया, वो आपसे ज़्यादा 80 से 85,000 रुपये, 80 to 85,000 इंडियन रुपीज़ ले रही है ना। तो आपसे तो काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। तो मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आपको एक रास्ता दिखा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, बाकी आपका फ्यूचर आपके हाथ में है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपकी जो आज की जो वीडियो आप काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और काफ़ी मोटिवेटिंग भी, अगर आप सही तरीके से इसको देखते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया, धन्यवाद।